क्या आपने कभी फुदक कर चलने वाले पक्षी को देखा है? जी हाँ, सही सुना आपने, फुदक कर चलने वाला पक्षी। क्या आपने कभी मोजे पहने हुए किसी पक्षी को देखा है? क्या आपने कभी ऐसे पक्षी को देखा है जो मधुर सुर में गाता हो? नहीं। तो आज हम आपके लिए दुनिया के ऐसे ही 10 अनोखे पक्षियों के बारे में लेकर आए हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट्स लेबोरेटरी। फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। नंबर 10, कील बिल टोकेन। कोलंबिया में पाए जाने वाले कील बिल टोकेन बर्ड अपनी खतरनाक और अमेजिंग चोंच की वजह से जाने जाते हैं। इसकी चोंच में आपको लाल, पीले, हरे और आसमानी नीले जैसे कलर्स का मिक्सर देखने को मिलेगा। इसकी रंग बिरंगी और अनोखी चोंच इस पक्षी को बाकी सभी पक्षियों से अलग बनाती है। इसकी चोंच की लंबाई लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। खास बात यह है कि ये बर्ड अपनी इस रंग बिरंगी चोंच का इस्तेमाल ज्यादातर फीमेल बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए या शिकारी पक्षियों से खुद को डिफेंड करने के लिए करते हैं। इन पक्षियों के पंख नॉर्मल पक्षी के मुकाबले ज्यादा भारी होते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये ज्यादा ऊंचाइयों पर नहीं उड़ पाते, इसलिए ये आसपास के इलाकों में ही सैर करते रहते हैं। इन पक्षियों को सल्फर ब्रेस्टेड टोकेन और रेनबो बिल टोकेन भी कहा जाता है। नंबर 9, विक्टोरिया क्राउन पिजन। इस खूबसूरत नीले पक्षी का नाम विक्टोरिया क्राउन पिजन इसलिए रखा गया है दोस्तों, क्योंकि इसके सर पर एक बहुत ही खूबसूरत क्राउन होता है। जैसे क्वीन विक्टोरिया के सर पर ताज होता है, उसी तरह इस पक्षी के सर पर भी ताज होता है। देखिए, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसकी वजह से इसको ऐसा नाम दिया गया है। क्राउन पिजन पिजन की प्रजाति में सबसे खूबसूरत दिखने वाले पक्षी है, जिसकी वजह से इनको किंग ऑफ पिजन्स भी कहा जाता है। नीले और हल्के भूरे रंग के इस पिजन की आंखें लाल रंग की होती है, जो इसको और भी ज्यादा आकर्षित बना देती है। साथ ही इसके पंखों में अलग अलग रंग होते हैं, जो इसको दूसरे पक्षियों से काफी अलग और सुंदर कर देते हैं। ये पक्षी ज्यादातर न्यू गिनी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस जगह पर आप इस खास क्राउन पिजन को आसानी से देख सकते हैं। नंबर 8, काकापो। काकापो नाम के इस पक्षी को आउर पैरट भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, शायद आप इसको देखकर समझ जाएं। ये एक ऐसा पक्षी है जिसका चेहरा उल्लू की तरह दिखता है, लेकिन इसका रंग तोते की तरह हरा है। न्यूजीलैंड के घने जंगलों में पाए जाने वाले इस पक्षी को तोते की प्रजाति के सबसे ज्यादा भारी पक्षी माना जाता है, जिसकी लंबाई करीब 22 से 25 इंच तक होती है और वहाँ के प्रोग्राम्स चलाती रहती है। साथ ही वहाँ के लोग भी पक्षियों की काफी मदद करते हैं। यहाँ के लोगों को अगर कोई घायल काकापो दिखाई देता है तो इसका इलाज कराते हैं, साथ ही इसको खाना और पानी भी देते हैं। है ना कितनी कमाल की बात। नंबर 7, जूनियन ग्रीब। जूनियन ग्रीब नाम के इस पक्षी को जूनियन फ्लाइट लेस ग्रीब भी कहा जाता है। काले और सफेद रंग के साथ लाल आंखों में इस पक्षी को आसानी से पहचानना काफी आसान है, लेकिन इस पक्षी के दर्शन मिल पाना काफी दुर्लभ है। इस पक्षी को देखना कितना ज्यादा दुर्लभ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी आबादी अब 250 से भी कम बची है। ज्यादातर पश्चिमी मध्य पेरू के जूनियन लेक में पाए जाने वाले जूनियन ग्रीप लेक्स में ही रहना पसंद करते हैं और समुद्र के किनारे कम ही मिलते हैं। जूनियन ग्रीप की इस दुर्लभ प्रजाति को बचाने के लिए सरकार विशेष रूप से जूनियन झील में कई तरह की पहल करती रहती है। इसके अलावा इस झील में शिकार करना और मछली पकड़ने पर रोक है, ताकि इस दुर्लभ प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सके। नंबर 6, ग्रेटर सेज ग्राउस।
अमेरिका में पाए जाने वाले इस पक्षी को सबसे बड़े पक्षियों में से एक माना जाता है। पहली झलक में तो ये आपको किसी मुर्गे जैसा लगेगा, लेकिन ये आम मुर्गों की तरह आसानी से पाया जाने वाला पक्षी नहीं है, और इसे देखने के लिए आपको अमेरिका या कनाडा का वीजा लगवा कर जंगलों में घूमना पड़ सकता है। इस पक्षी की सबसे खास बात ये है कि इसके नुकीले पंखा आपको किसी राजा महाराजा के सर पर सजे ताज की तरह दिखेगा। दिखने में इनकी मेल और फीमेल जाति एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। नंबर 5, सुपर ब्लायर बर्ड। सुपर ब्लायर बर्ड दुनिया के सबसे निराले और सुंदर पक्षियों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला यह पक्षी अपनी काफी सारी खासियतों की वजह से फेमस है, जिसमें से एक है इसकी लंबी पूंछ, दूसरा है इसकी नकल करने की कला, और तीसरा है गाना गाना। शायद आप सोच रहे होंगे कि नकल करना और गाना गाना तो तोतों का काम भी होता है, तो कहीं ये तोते की प्रजाति में से तो नहीं? जी नहीं, ये एक ऐसा पक्षी है जो थोड़ा थोड़ा कबूतर की तरह दिखाई देता है। इस पक्षी को ज्यादातर गाना गाते हुए ही देखा जाता है, लेकिन शायद अपनी इसी कला की वजह से इस सुपर ब्लायर बर्ड अब संकट में है, और इनका नाम IUCN की रेड लिस्ट में आ चुका है, क्योंकि जब ये पक्षी गाना गाता है तो शिकारी को इस तक पहुंचने में आसानी होती है। साथ ही इस पक्षियों के धीरे धीरे विलुप्त होने का एक कारण यह भी है कि ये ज्यादातर जमीन पर रहते हैं। इसकी वजह से यह मनुष्य की गाड़ियों के नीचे दबकर मर जाते हैं। नंबर 4, ऑरेंज बैलेट पैरेट। ऑरेंज बैलेट पैरेट इस पूरी पृथ्वी पर सबसे नया पक्षियों में से एक माना जाता है। नीले, हरे और ऑरेंज कलर के इन तोतों को ऑरेंज बैलेट पैरेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पेट वाली जगह ऑरेंज कलर की होती है। इस खास तोते की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर तक होती है। ये ऑरेंज बैलेट पैरेट दूसरे पैरेट से बात करने के लिए बजिंग साउंड का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर तस्मानिया में पाया जाने वाला यह पक्षी सर्दियों के मौसम में दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में अपना समय बिताता है। इस वक्त ये पक्षी इतने खतरे में है कि IUCN ने पक्षी को अपनी रेड लिस्ट में डाल दिया है। अगर आप इस कलरफुल तोते को देखना चाहते हैं तो यह आपको किंग आयरलैंड, लेक विक्टोरिया और मट आइलैंड पर दिखाई देंगे। नंबर 3, सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज इस पक्षी को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह बहुत सुंदर दिखाई देता है। वैसे तो यह पक्षी पूरा काले रंग का होता है, लेकिन उसकी गर्दन के नीचे चमकीला नीला रंग भी होता है, जिसको ये दोस्तों डांस करते वक्त पूरी तरह से खोल देता है और काफी सुंदर दिखाई देता है। इस प्रजाति के मेल पक्षी फीमेल पक्षियों को लुभाने के लिए अपने पंख खोलकर डांस करते हैं, और अपनी इसी कला के लिए यह फेमस है। इस प्रजाति के मेल और फीमेल पक्षी बहुत अलग दिखाई देते हैं, और मेल पक्षी ज्यादा आकर्षित होते हैं। न्यू गिनी में पाए जाने वाले इस प्रजाति पक्षी की काफी ज्यादा से घट रही है, जिसकी वजह से इनको देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। नंबर 2, ग्रीन पिफाउल। जहां हमने इतने पक्षियों की बात करी है, वहां हमने राष्ट्र पक्षी मोर की बात तो करी नहीं, वो हम कैसे भूल सकते हैं। मोर भी दुनिया की सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है, जिसकी संख्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, और इसका कारण है इसके सुंदर पंखों की मार्केट में डिमांड। आपने मोर को ज्यादातर नीले रंग में देखा होगा, लेकिन सफेद और हरे रंग का मोर भी एक मोर होता है, जो देखने में काफी सुंदर लगता है।
हरे रंग का मोर साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये देखने में पूरी तरह से हरे रंग का होता है और काफी सुंदर दिखता है। नंबर एक, सेक्रेटरी बर्ड। दुनिया के सबसे अनोखे पक्षियों की लिस्ट में सेक्रेटरी बर्ड का नाम आना काफी जरूरी है, क्योंकि इसके नाम के साथ ही यह पक्षी दिखता भी थोड़ा अलग है। सेक्रेटरी बर्ड को किलर क्वींस भी कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि यह किंग कोबरा को मात दे सकता है। अगर गौर किया जाए तो सेक्रेटरी बर्ड का आधा शरीर बांस की तरह और आधा शरीर सारस की तरह दिखाई देता है। इनका शरीर भूरे रंग का होता है और पंख काले और सफेद रंग के होते हैं। सभी पक्षियों में इस पक्षी के पैर सबसे लंबे होने के साथ साथ काफी अजीब भी होते हैं। इनके पैरों को देखकर लगता है जैसे इन्होंने लंबे काले रंग के मोजे पहन रखे हो, जिनकी वजह से ये चलते वक्त ऐसे लगते हैं जैसे कोई मॉडल पूरे एटीट्यूड में चलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, आज आपने देखे दुनिया के 10 सबसे अनोखे पक्षी। इन सब पक्षियों में से आपको कौन सा पक्षी सबसे सुंदर और अनोखा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूले, ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना कर दे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। फैक्ट्स की दुनिया में डूब जाने के लिए आप सबका धन्यवाद।